वेलकम टू बिहार एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिसजंक्शन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, डिसजंक्शन नाम का हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें दो सिंगल स्टेटमेंट्स को अगर आप और वर्ड के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारी एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है। उस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए फाइनल हमारी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी के इस वीडियो में हम वैसे ही एक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो एग्जांपल है, ऑब्टेन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द डिसजंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, द अर्थ इज फ्लैट एंड 3 + 5 = 2। तो इसके ये दोनों स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट के लिए आपको सिर्फ ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों कैसे ज्वाइन हुई है, डिसजंक्शन के लिए। तो डिसजंक्शन है, इसका मतलब इंक्लूसिव और है इनके बीच में, और नाम का वर्ड है इनके बीच में। तो इस तरीके की जो टेबल बनती है, ट्रुथ टेबल, वो बनेगी कैसे, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो उस केस में हमारा फाइनल डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगा, और अगर ये दोनों ही ट्रू हैं तो उस केस में भी हमारा फाइनल डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगा। तो बस यही देखते हुए हमें फाइंड आउट करना है फाइनल ट्रुथ वैल्यू इन दोनों के लिए। तो टेबल तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी, वही सेम टेबल के देखकर आपको इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं पहले कि ये पी है, द अर्थ इज फ्लैट, इसको मैंने पी डिनोट किया है, एंड स्मॉल क्यू लिया है 3 + 5 = 2, जो कि सेकेंड इक्वेशन है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, द अर्थ इज फ्लैट, चार इसके लिए भी दो पार्ट रहेंगे, एक तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू, एक फॉल्स, इसके लिए भी ट्रू, एक बारी फॉल्स। तो जो ट्रुथ टेबल बनेगी उसका चार का कॉम्बिनेशन होंगे, तो यहां पर इस केस में चार रोज बनेंगी। लेकिन हमें तो फाइनल ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों के लिए ट्रुथ वैल्यू होगी क्या। अब हमें ये पता है कि अर्थ फ्लैट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड, जो ये सिंगल स्टेटमेंट सेकेंड वाली है 3 + 5 = 2, तो इस केस में ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही फॉल्स के केस में डिसजंक्शन क्या होता है, फॉल्स ही होता है। डिसजंक्शन तब हमारा ट्रू होता है जब इन दोनों में से एक ट्रू होता या फिर दोनों ही ट्रू होते। तो फाइनल ट्रूथ वैल्यू हमारे पास इसमें मिलेगी फॉल्स। इसको आपने कुछ इस तरीके से लिखकर दिखाना है, वी नो दैट पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स, दोनों के लिए फॉल्स रहेगा, तो देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी और क्यू इज एफ, एंड ये फॉल्स है। तो ऐसे हमने टेबल भी बना ली है, फाइनल जो ट्रुथ वैल्यू हमारे पास आई है उसके लिए हमने ऑब्टेन किया है एक ये फॉल्स रहेगा, एक ये बड़ी फॉल्स रहेगा, तो हमें फाइनल जो मिला वो है फॉल्स। तो इस तरीके से आपने टेबल डेवलप कर लेनी है। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर टू है, राइट डाउन द डिसजंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस एंड गिव इट्स ट्रुथ वैल्यू। इन दोनों प्रपोजिशंस के लिए आपको इनको डिसजंक्शन फॉर्म में लिखना है। तो डिसजंक्शन के लिए क्या होता है, और ऑपरेटर हम यूज करते हैं या और वर्ड आप कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने जो गिवन प्रपोजिशंस है उनको लेट कर लेना है, पी और क्यू, या कोई और भी आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, मैंने पी और क्यू यूज किया है। तो 2 + 3 = 7 एंड q = में क्या आएगा, राधा इज एन इंजीनियर, ये मेरी सेकेंड स्टेटमेंट होगी। तो इन दोनों के लिए हमें फाइंड आउट करनी है ट्रुथ वैल्यू। तो पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में से ट्रू कौन सा है एंड फॉल्स कौन सा है, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम टेबल बना लेंगे और फाइनल ट्रुथ वैल्यूज की फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप पहली स्टेटमेंट देखेंगे तो 2 + 3 = 7, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 2 + 3 कभी = 7 नहीं हो सकता, तो ये मेरी स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए, राधा इज एन इंजीनियर, अब इस तरीके के लिए हमें नहीं पता कि राधा इंजीनियर है या नहीं है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट के लिए हम दोनों ही वैल्यूज कंसिडर करते हैं, ट्रू भी और फॉल्स भी। तो जो ट्रुथ वैल्यूज आएंगी वो ट्रू और फॉल्स दोनों के ही केस में इसमें आएंगी। तो पहले के लिए तो फॉल्स हो गया, लेकिन दूसरे के लिए फॉल्स और ट्रू हो गया। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन इसमें बनेगा, चार रोज बनती, लेकिन हमारे पास एक तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स वाला हम पुट कर लेंगे।
बाकियों का हम नहीं लिख रहे रोज का, क्योंकि फाइनल जो ट्रुथ वैल्यू मिलेगी हमें फॉल्स के केस में मिल जाएंगी पहले के लिए, और सेकंड के लिए फॉल्स और ट्रू रहेगा। तो एक बारी अगर ये फॉल्स है तो एक बारी ये भी फॉल्स है, तो एक बारी अगर ये फॉल्स है तो ये एक बारी ट्रू है। तो इस अकॉर्डिंग फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है डिसजंक्शन के केस में, फॉल्स 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 होता है डिसजंक्शन में, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है डिसजंक्शन में, क्योंकि अगर इन दोनों में से स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू है तो मेरा फाइनल डिसजंक्शन ट्रू हो जाता है। तो ये है मेरी फाइनल ट्रुथ वैल्यूज गिवन प्रपोजिशंस के लिए। अब यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं द ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू इज ट्रू देन वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रुथ वैल्यू एज टी। अगर राधा इज एन इंजीनियर ट्रू होता तो हमारी रिक्वायर्ड ट्रुथ वैल्यू क्या होती, ट्रू होती, अगर ये टी होता तो, क्यू अगर ट्रू होता तो, और अगर क्यू अगर फॉल्स होता तो उस केस में हमारी रिक्वायर्ड ट्रुथ वैल्यू क्या होती, फाइनल फॉल्स होता। तो दोनों के केस में हमें पता ही नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है क्यू में, तो इसलिए हम दोनों को ही कंसिडर करेंगे और ये दोनों ही हमारी ट्रुथ वैल्यूज होंगी। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे आपने ट्रुथ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये हमने आज की वीडियो में कवर किया। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।